साहिबा की, नून लीग की, बहुत सारी ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, एहसन इकबाल साहब की आई, जावेद लतीफ साहब का बयान है, उसके अलावा मरियम नवाज के अपने बयान है, बिलावल के हैं, बख्तावर के हैं, इनकी पूरी एक सीरीज है। तो क्या आप लोगों का ऐसा कोई इरादा है कि ये सारी ट्वीट्स जो है वो पहुंचाई जाए कि देखें जी मौजूदा हुकूमत जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आपने बनवाई बाइडन साहब ने, वो कर क्या रहे हैं आपके खिलाफ? देखें, मैं आज पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों से वादा करता हूं, मैं और एज अ पाकिस्तानी वादा करता हूं, एज अ खान साहब का वर्कर वादा करता हूं। इन्होंने तो हुसैन अकानी को हायर करके खान साहब के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया था ना कि खान साहब एंटी वेस्ट हैं, एंटी अमेरिका हैं, लेकिन मैं सारे पाकिस्तानियों से वादा करता हूँ कि ये खान साहब का इल्जाम था, हुसैन अकानी कहता है मैंने किया ही नहीं। चलें खैर उसको छोड़ें, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, ये जितनी ट्वीट्स हैं, ये जितने मैसेजेस हैं, विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब जो क्लोजेस्ट लोग हैं, जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप तो जारी बात है अगले 2-3 दिन बिजी होंगे, ये सारे ट्वीट्स, ये सारे मैसेजेस उनके टेबल पर होंगे और वो लोग ये देखेंगे और ये वो लोग ये वीडियोस भी देखेंगे। ये मेरा आप लोगों से सबसे वादा है, सारे बिलावल का, मरियम का, एहसन इकबाल का, जितना के लोगों के जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया था, कोई वीडियो बनाई थी, कोई ट्वीट किया था, हमारे पास सारी चीजें हैं। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप के क्लोजेस्ट एसोसिएट्स, जितने भी प्रेसिडेंट ट्रंप की फैमिली है या रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के सीनियर मेंबर्स हैं, उन तक मैं सारा पहुंचाऊंगा, उनको बोलूंगा कि ये लोग बैठे हुए हैं इस वक्त गवर्नमेंट में, और आगे आपने आप फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को, आपको पता है जब वो देखेंगे ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑलरेडी जो इवन रिपब्लिकन ने भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में बातें की थी ना, वो सारे फारिग होकर साइड पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे मैसेज मेरा पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों से वादा है, अगले 24 घंटे में ये सारी चीजें वो देखेंगे, उन तक पहुंचेगी नहीं, वो देखेंगे इंशाल्लाह।